हाय गाइस, व्हाट्सअप। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ सब लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे, सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। देखो, बड़ा करने के लिए बड़ा सोचना नहीं पड़ता है, बड़ा सोचने के साथ आपको बड़ा करना भी पड़ता है। एग्जाम्पल, मार्क जकरबर्ग को ले लीजिए, इलन मस्क को ले लीजिए, और अपने भारत में अगर आते हैं तो अनिल अंबानी सर को ले लीजिए। आपको कुछ करना है तो बड़ा करने के साथ साथ सोचिए भी बड़ा और करिए भी बड़ा। मेंटली एबिलिटी आप अपनी घटा चुके हो, सोचने में ही आप व्यस्त हो जाते हो कि भैया ऐसे करें, वैसे करें, क्या करें, वो करें, खत्म हो जाते हो। जो आप माइंड एबिलिटी करते हो ना, माइंड में ही काम को सोच लेते हो कि यार ऐसे नहीं, ऐसे होगा, फॉर्मूला इतना बड़ा है, ये सब्जेक्ट ऐसा है, वैसा है, वो सब भूल जाओ, सिर्फ करने पर ध्यान दो। डू इट, करोगे तो ही आएगा। ठीक है, चलो। समझ नहीं आई होगी मुझे पता है आपको, ये बात जो मैंने आपको बताया। मेन टॉपिक क्या है कि आज रेलवे ने एक बड़ा डिसीजन, और रेलवे ने नहीं, हमारे मंत्री साहब जो है पीयूष गोयल साहब, उनको लेना पड़ा। मुंबई में विद्यार्थियों द्वारा प्रदर्शन किया गया और प्रदर्शन बहुत उग्र था। रेल चक्का उग्र नहीं था, मतलब चक्का जाम उन्होंने कर दिया था। तो उसके उपलक्ष्य में पीयूष गोयल साहब ने 20% सीट को रिजर्व कर दिया, जिन्होंने एक्ट अप्रेंटिसशिप किया हुआ है। तो अब वो भाई लोग प्लीज कृपया करके फॉर्म को जल्दी से फिल कीजिए। आपको भी मौका मिला है रेलवे में आने का, तो निष्पक्ष तरीके से सभी लोगों को मौका मिल रहा है। और आगे भी देखते जाइए, अभी रेलवे और क्या क्या चेंज करता है। आपको क्या लगता है कि अब ये एक कॉमेडी चल रहा है, और आगे अब क्या क्या चेंज होगा, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स खुले हुए हैं उसमें बताना। मुझे बेहद खुशी है कि 20% जो आरक्षित सीटें हैं, वो एक्ट जो अप्रेंटिसशिप किया हुआ है उनके लिए दे दिया है। वो बहुत अच्छा है, वो लोग को भी मौका मिलना चाहिए, क्योंकि सभी लोग बराबर हैं। हमने तो आईटीआई नहीं किया, जिन्होंने आईटीआई किया है सबके लिए है, तो उनके लिए भी 20% सीट आरक्षित है, तो अच्छा है, उनको भी मौका मिलना चाहिए। और अभी वो 20% हटाने के बाद लगभग 72,000 या फिर 70,000 के आसपास में अब जो आपका रिजल्ट बनेगा ग्रुप डी वालों का, वो उसमें रिजल्ट बनेगा। तो आप लोग ये समझ लीजिए कि 20% जो सीटें थी वो अब कम होकर आपका कट ऑफ बनेगा। 20% में कट ऑफ किसका बनेगा? जिन्होंने अप्रेंटिसशिप किया हुआ है। अगर ये पढ़ना चाहते हैं तो गूगल पे जाकर आप पीयूष गोयल साहब का ट्विटर अकाउंट खोल सकते हैं। वहाँ पे थर्ड या फोर्थ उन्होंने जो ट्वीट किया हुआ है उसमें उन्होंने बताया, आज दोपहर 2 बजे के आसपास ट्वीट किया है उन्होंने, स्पष्ट लिखा हुआ है कि भैया एक्ट अप्रेंटिसशिप जिसने किया हुआ है उसके लिए 20% सीट को हमने आरक्षित कर दिया है। इस वीडियो में इतना ही, बस यही बताना था, बाकी और कुछ चेंज नहीं हुआ है, सिमिलर है। बिना आईटीआई वाले भी ग्रुप डी में भर चुके होंगे, उनके लिए भी है, आईटीआई वालों के लिए भी है, और अब अप्रेंटिसशिप जिन्होंने किया उनके लिए भी हो चुका है। तो सबको बराबर मौका मिल रहा है और सब लोग सिलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा होंगे। जिन्होंने तैयारी अच्छे से करी होगी उनको सिलेक्शन मिलेगा, और जिन्होंने नहीं करी होगी वो सिर्फ भीड़ मचाएंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।